लोगों को दूर से देख के लगता है कि यार ये बड़ा एक कूल लाइफस्टाइल है कि ये भाई तो रोज़ फ्लाई करते रहते हैं, पता नहीं कितने मुल्कों में जाते हैं। अगर यहाँ पर लोग यूनिवर्सिटियों से अरबपति हो सकते हैं तो फिर ट्रेनिंग बिजनेस इतना बड़ा क्यों नहीं है? ठीक है, कोई तो गैप मौजूद है। ये जो एक टॉपिक है ना, बड़ा एड्रेस होना चाहिए। मैं बड़े बड़े समझदार लोगों को देखता हूँ, लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं कि आई विश पाकिस्तान हैज़ देयर फर्स्ट यूनिकॉर्न। ये तो स्टुपिडिटी है। चाहिए ये कि बेसिकली हम नॉलेज इकोनॉमी बनाने पे इन्वेस्टमेंट करें, हम लोगों को ट्रेन करने पे इन्वेस्टमेंट करें। आज भी हमारी लोकल कंपनीज़ हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं कि हमें इंजीनियर नहीं मिलता, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आएगा, इधर ऑफिस बनाएगा और उसे लोग मिल जाएंगे? तो बिल्कुल पहले सही। लोग ट्रेन तो करें। तो ये जो हमने स्टार्टअप को ज़्यादा कूल बना दिया है, ये आई थिंक ये भी गलत है कि शायद स्टूडेंट्स को लगे कि नहीं नहीं मुझे तो स्टार्टअप करना चाहिए। भाई क्यों जी करना चाहिए? हमने बहुत हद तक इंटरनेट आउटसोर्सिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिस की है पाकिस्तान ने एज अ कंट्री। देखें, इंडिया बहुत बड़ा है, उसमें और ममालिक बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान की ये थोड़ी सी एक्सपोर्ट है, $2 बिलियन पर हम बड़े खुश हो जाते हैं। मतलब इंडिया में एक एक कंपनी की $20-20 बिलियन एक्सपोर्ट होती है, तो बिल्कुल दो बिलियन तो कोई फिगर नहीं ठीक है। लेकिन जो लोग ज़रा डिफरेंट जीना चाहते हैं, ज़िंदगी से ज़रा और चीज़ें डिमांड है करते जी। हैं, उनके लिए ट्रैक एंटरप्रेन्योरशिप है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल की आज के एपिसोड के जो हमारे खास मेहमान प्रोफेशनल हमारे साथ मौजूद हैं, अवार्ड विनिंग कम्युनिटी बिल्डर हैं, सीईओ एट इजाद लैब, फाउंडर एट फ्यूचर फेस्ट और पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाले मिस्टर अजीज आजम साहब। अरिज भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। नहीं, थैंक यू आपका कि आपने मौका दिया आके अपने ख्यालात को शेयर करने जी, का। इंटरव्यू का स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में, चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में थोड़ा सा बताएं। सही है। सो अगेन, मेरा नाम अर्जिश है। मेरे पिछले कुछ 12-14 साल तो इस्लामाबाद में ही गुजरे हैं, बट ओरिजिनली हमारी फैमिली शेखुपुरा से बिलोंग करती है। एक डिस्ट्रिक्ट है जो लाहौर से कोई 47 किलोमीटर दूर है, और ब्रॉट अप बचपन में थोड़ा लाहौर में हुआ है, थोड़ा मूव शूव करते रहे हैं। लेकिन जवानी ज़्यादा जो है वो इस्लामाबाद में गुजरी, और आई थिंक ये थोड़ा सा बचपन का बैकग्राउंड है। बचपन में थोड़ा मुझे इंजीनियर बनने का बड़ा शौक था, अच्छा क्योंकि सबको ही होता है कि जी इंजीनियरिंग करेंगे और ये वो। फिर लेकिन मैंने FSC के बाद ब्रेक ले लिए और मैंने कहा कि नहीं, मैं ऑनलाइन जो है कुछ कर रहा था, ई कॉमर्स में बिज़नेस, तो मैं 1 साल गैप ईयर लेके इसमें कुछ करना चाहता हूँ। और बस वहाँ से आगे हम चीज़ें करते रहे और आज कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अरिज साहब, आपने एज अ कम्युनिटी बिल्डर कब कैरियर स्टार्ट किया, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, किसी इवेंट ने? नॉर्मली ये एक मतलब कि हर बंदे के साथ एक प्रोफेशनल टैग अटैच हो जाता जी है, जी जी लाइक इज़ अ बैंकर, ये स्टार्टअप फाउंडर, तो आपके साथ जैसे कम्युनिटी बिल्डर है, ये नॉर्मली हर बंदे के साथ नहीं होता है कॉमनली, तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया था कि आपको ये फील्ड ज़्यादा हिट की? बिल्कुल। देखिए, मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया था, उसका नाम स्टार्टअप ग्राइंड है, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है। तो जी इस्लामाबाद में ये 2000 आई थिंक 17 या 18 की बात है, और मुझे कोई इवेंट इतने ऑर्गेनाइज़ करने आते भी नहीं थे। तो वो छोटा सा अच्छा एक इवेंट किया, स्पीकर बुलाया, फायर साइड चैट किया। वहाँ से पता लगा कि यार ये काम में तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं अच्छा थोड़ा सा कनेक्टेड भी हूँ। फिर जी इवेंट पे एक मौका क्रिएट होता है लोगों का आपस में मिलने का, ठीक है तो एक बड़ा फुलफिलिंग सी फीलिंग आई। और उस टाइम मैं कुछ और एक वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर अगले 1-1.5 साल में मैंने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, और पता लगा कि अच्छा यार, इवन दो हमारे यहाँ हम शायद उस टाइम पे, पता नहीं अब लेते हैं कि नहीं, इवेंट्स वाले काम को इतना सीरियस नहीं लेते, दुनिया में इसकी बड़ी एक वैल्यू है। जी और ख़ासकर जब हम एक इकोसिस्टम की बात करें, तो एक इकोसिस्टम बिल्डर या कम्युनिटी बिल्डर का बड़ा एक रोल होता है, और हमारे काम का जो एक एक समझें कि एक बड़ा सेंट्रल पॉइंट है या एक कनेक्टिंग पॉइंट है, वो हमारे फिज़िकल इवेंट्स होते ठीक हैं। है बेशक हम ऑनलाइन भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इवेंट पे एक मौका मिलता है, आप हम भी मिलते जी जी हैं, लोग नए लोगों को मिलते जी हैं। तो उस टाइम जब स्टडी किया कि अच्छा दुनिया में बहुत से लोग जो हैं वो सक्सेसफुल कम्युनिटी बिल्डर्स हैं, इकोसिस्टम बिल्डर्स हैं, बहुत बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, तो जी वहाँ से मिशन ये था कि इस काम को आगे ग्रो करना है पाकिस्तान में, चाहे किसी को समझ आए या ना आए। ठीक है लेकिन शुरू से ही आई थिंक बहुत से लोगों को ये काम समझ आता रहा, बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, और उसी सपोर्ट की वजह से हम इन एक्टिविटीज़ को बड़ा से बड़ा करते गए। जिस तरह अब हम जो कॉन्फ्रेंस कराते जी हैं फ्यूचर बिल्कुल फेस्ट, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इस स्केल की एक्टिविटी यहाँ इमेजिन भी शायद लोग नहीं कर जी सकते थे, लेकिन ये सिर्फ इन सारे लोगों की सपोर्ट है जिसकी वजह से हमने ये चीज़ क्रिएट किया। ज़बरदस्त। अच्छा अजीश, आपसे अगर मैं पूछूं कि प्रोफेशनल कम्युनिटी बिल्डर अगर इस टर्म को आपने डिफाइन करना हो तो कैसे करें? यह देखें, बड़ा सिंपल है। मतलब
कंपनीज जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ के अराउंड, प्रोडक्ट्स के अराउंड कम्युनिटीज़ बिल्ड करती हैं। जिस तरह आप कहें कि यार अच्छा जो है आईफोन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आईफोन की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन है, इसी तरह और बड़े प्रोडक्ट्स हैं। टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में या स्टार्टअप्स में अगर बात करें तो बड़ा एक सिंपल था कि जो बंदा ज़रा लोगों को इकट्ठा करता है, आपस में कनेक्ट कराता है, स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स से मिलवाता है, आपस में मिलवाता है, ये सारे फीचर्स हैं। तो ये एक प्रोफेशनल कम्युनिटी बिल्डर होता है। तो हमने स्टार्टअप्स की या टेक्नोलॉजी वाले लोगों की कम्युनिटी बिल्ड की है, और उसमें ये कि मतलब ज़्यादातर चीज़ों के पैसे नहीं मिलते आपको। मतलब मैं आपका किसी से इंट्रोडक्शन कराऊं, आप मुझे पे तो नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेगा, लेकिन ये कि ये हमारी एग्जिस्टेंस का एक फंक्शन है। तो एक कम्युनिटी बिल्डर जो है वो हो सकता है कि साल में 3 इवेंट कराता हो जहाँ से उसे पैसे आते हों, लेकिन बाकी 6 काम उसने वैसे ही करने होते हैं क्योंकि वो एक कम्युनिटी बिल्डर है। ठीक, रिलेशन बिल्डर। एग्जैक्टली। और इस ये जो थ्रू आउट द ईयर आप एक सर्विस ऑफर करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, इसी की वजह से आपके इवेंट्स भी सक्सेसफुल होते हैं, इसी की वजह से लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, फंड रेजिंग होती है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो है ना ये एक सर्विस है और एक ऐसा सच कारोबार नहीं है। आप एक सर्विस ऑफर करते हैं पूरा साल और उसमें कुछ चीज़ों से आपको पैसे भी बच जाते हैं, तो आप कहते हैं ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन ये कि हमारा तो रोल है लोगों को कनेक्ट कराना। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो टर्म्स जो आपको बहुत एक्साइट करती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? और देखिए बड़ा सिंपल है कि अब जिस तरह मैं जो काम करता हूँ बड़ा डिफरेंट है, बड़ा इनोवेटिव है। हमने आज तक जितनी भी चीज़ें की हैं वो बड़ी नई थी, वो पहले कोई करता ही नहीं था। हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स लेके जाते हैं बाहर, हम स्केल की कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, और ऑब्वियसली उन चीज़ों से हम रोज़गार भी कमाते हैं। तो इनोवेशन का जादू ये है कि आप जब कुछ नया क्रिएट करते हैं तो बेसिकली आप कंपीट नहीं कर रहे होते किसी, आप अपनी मार्केट क्रिएट कर लें, अपनी मर्ज़ी के पैसे चार्ज करें और अपनी मर्ज़ी से काम करें और अच्छा काम करें। और यही एंटरप्रेन्योरशिप में भी है। मेरा ये बिलीफ है कि देखें, अगर आप ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में ही होता है, ये जॉब्स में नहीं होता। अगर आप सीधे ट्रैक देखें ना ज़िंदगी के, जिस पे बहुत से लोग लगे हुए हैं, और आई एम श्योर कुछ लोगों को शायद उसमें भी सेटिस्फेक्शन मिलती होगी, पीस मिलता होगा, कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो लोग ज़रा डिफरेंट जीना चाहते हैं, ज़िंदगी से ज़रा और चीज़ें डिमांड करते हैं, उनके लिए ट्रैक एंटरप्रेन्योरशिप है। आप कुछ अपना क्रिएट करें, चाहे वो एक यू नो किराने की दुकान या एक ई-कॉमर्स स्टोर ही क्यों नहीं है। ठीक है, आपको कोई कूल टेक स्टार्टअप करीम ऊबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे स्केल पर भी शुरू करें तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली की लाइफ में बड़ा इंपैक्ट ला सकते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है बड़ी मेजर अपॉर्चुनिटी है हमारी यूथ के लिए। हमारे लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े स्मार्ट भी हैं, और जो इंटरनेट की एक्सेस अब ऑलमोस्ट हर किसी तक है, शहरों में बहुत से लोगों तक पहुंच गया, तो अब हमें ये देखना चाहिए कि हम ऑनलाइन क्या बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम ऑफलाइन तो PKR में कमा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के बड़े मसले हैं, लेकिन हम जिन सारे लोगों को इंग्लिश आती है, जिन्हें समझ ना आता है, वो ऑनलाइन जाएँ, कोई स्किल सीखें और ऑनलाइन कोई जो है वो स्टार्टअप, कोई बिज़नेस, कोई सर्विस शुरू करें। और हमें हमारे मुल्क को, हमारी इकोनॉमी को इस किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप की और इस किस्म की इनोवेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल राइट। मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर हूँ जो आपने बात की है ना कि पाकिस्तान में उस तरह का पहले काम नहीं हो रहा था। लाइक बाहर तो ये चीज़ें हो के अब मतलब कि उनके लिए तो न्यू नहीं, हमारे लिए बिल्कुल न्यू थी। और जो मतलब एक ट्रिप लेके जाना या स्टार्टअप ग्राइंड इवेंट फ्यूचर फेस्टिवल, जैसे मैंने रिसेंटली ये आपका जाला पेमेंट अटेंड किया, तो मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। और वहाँ पर जब सारे आर्ट अपने और स्टार्टअप फाउंडर मिलते हैं तो एक एनर्जी आती है कि यार चीज़ बिल्कुल हो। अच्छा अरजय साहब, आपका मतलब के ताल्लुक Web 3.0 और टेक ट्रेंड्स के साथ आपका लिंक रहता है। जिस तरह इनोवेशन की हमने बात की तो आप इन चीज़ों करते हैं, तो इसके फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें कि कैसे कोई इंडिविजुअल इसमें अपना फ्यूचर शेप कर सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। सो मैं क्योंकि एक तो मैं इतना टेक्निकल हूँ नहीं, मुझे इन चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ इतनी नहीं पता, लेकिन इनका जो यूज़ केस है, इनका जो पोटेंशियल है, मुझे उसमें बड़ा यकीन है। मेरे कुछ दोस्त हैं दुबई में जिन्होंने कहा कि अच्छा हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो फ्यूचर फेस्ट पे आ रहे थे, हमारा इवेंट पोस्टपोन हो गया, तो हमने उनके साथ मिलके पाकिस्तान ब्लॉकचेन समिट ऑर्गेनाइज़ किया। और वो ऑर्गेनाइज़ करने में ही मैंने बड़ा कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में सीखा, अपॉर्चुनिटी के बारे में सीखा। उस इवेंट पर हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया, सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट, फिर वो जो बाहर से कोई 10 इंटरनेशनल स्पीकर आए थे वो सारे आए,
और हमें पता लगा कि अच्छा यार, जो एक टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटी थी, इंटरनेट में थी, अब वेब 3.0 में उससे मतलब एक नेक्स्ट स्टेप है, एक अपग्रेड है और बहुत सी नई एवेन्यूज खुल रही हैं। क्योंकि जब भी कुछ नया हो रहा होता है तो वहाँ कंपटीशन कम होता है, वहाँ पर मौके ज़्यादा होते हैं। अभी क्या है कि हर किसी को ब्लॉकचेन डेवलपर चाहिए, दुनिया में ही कम है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तैयार कर लें 1 मिलियन, तो वो बड़ी अच्छी रोजी रोटी कमा सकते हैं। जो वेब 3 के यूज़ केसेस पाकिस्तान के अंदर हैं, जहाँ तक उनका ताल्लुक रेगुलेशन से या स्टेट बैंक से या CCP से, तो वहाँ तो अनफॉर्चुनेटली टाइम लगेगा, हुकूमतें स्लो चलती हैं उन्हें समझने में। लेकिन जो चीज़ें प्राइवेटली हो सकती हैं वो बड़ी फास्ट हो रही हैं। देखिए, हम थर्ड आई थिंक हाईएस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग कंट्री थे, अब शायद फिफ्थ हो गए हैं इस साल, लेकिन फिर भी बड़ा वॉल्यूम है क्योंकि लोग खोलते हैं बाइनेंस, क्यूकॉइन, बाकी एक्सचेंजेस P2P पे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। फिर ये कि बहुत से लोग जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लॉकचेन में, NFT से रिलेटेड, क्रिप्टो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और बड़े अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन उनके काम की अच्छी बात क्या है कि वो जो $5-5 वाला काम है वो नहीं कर रहे, वो टॉप क्वालिटी काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। जिस तरह कोई यूरोप में बैठा इस टाइम काम कर रहा होगा वेब 3 में, इसी तरह पाकिस्तान से बैठे करें तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी बहुत है। फिर क्योंकि ये एक नई इंडस्ट्री है और नई इंडस्ट्री में हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम सीखें और अभी एंटर हो जाए, रेदर देन कि हम वेट करें कि अच्छा ये मैच्योर हो जाए। जिस तरह आप कॉल सेंटर, बहुत एक मैच्योर इंडस्ट्री हो चुकी है, अब हम उसमें उस तरह नहीं बड़े बन सकते। वहाँ पर इंडिया आ गया, बांग्लादेश आ गया, फिलीपींस आ गया, हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। हमने बहुत हद तक इंटरनेट आउटसोर्सिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिस की है पाकिस्तान ने एज अ कंट्री। देखें, इंडिया बहुत बड़ा है उसमें और ममालिक बहुत बड़े हैं, पाकिस्तान की ये थोड़ी सी एक्सपोर्ट है, $2 बिलियन पे हम बड़े खुश हो जाते हैं। मतलब इंडिया में एक एक कंपनी की $20-20 बिलियन एक्सपोर्ट होती है, तो $2 बिलियन तो कोई फिगर नहीं है। लेकिन अब अगर एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, पूरी दुनिया में एक अपेरेंटली इंटरनेट का अपग्रेड हो रहा है और उसमें लोगों को नए स्किल सीखने की ज़रूरत है, तो हम अपने लोगों को रेदर देन के पिछले स्किल सिखाएं, हमें चाहिए कि हम उन्हें जंप कराएं और ये स्किल सिखाएं और उन्हें वेब 3 में एंटर करवाएं। और तो ये थोड़ा सा जो मेरा इस इंडस्ट्री के बारे में पैशन है, जो इंटरेस्ट है, वो इस पर्सपेक्टिव से है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मेजर अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा अर्जेश साहब, आपका जिस तरह बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर के साथ लिंक है, एंटरप्रेन्योर्स के साथ लिंक है और आउटसाइड द कंट्री भी आप इस इकोसिस्टम में काम किया, तो आपके ख्याल से बहुत सारे फाउंडर्स के साथ आपका ताल्लुक है, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ अभी लैग कर रही है कि यूनिकॉर्न पाकिस्तान में नहीं क्रिएट हो पाए? बैट, एक तो ये देखें, यूनिकॉर्न है पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता क्यों लोग कहते हैं यूनिकॉर्न नहीं हो रहा। देखें, एक है zameen.com इमर्जिंग मार्केट प्रॉपर्टी ग्रुप जो लाहौर से शुरू हुआ, अब वो दुबई हेडक्वार्टर्ड है, वो यूनिकॉर्न है। फिर करीम भी एक पाकिस्तानी यूनिकॉर्न ही है ना, एक पाकिस्तानी फाउंडर ने बनाया, सारी डेवलपमेंट कराची में हुई, 80% टीम पाकिस्तानी थी, मतलब इससे ज़्यादा पाकिस्तानी क्या हो वो। मुझे लगता है कि देखें, ये जो एक टॉपिक है ना, बड़ा एड्रेस होना चाहिए। मैं बड़े बड़े समझदार लोगों को देखता हूँ, लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं कि आई विश पाकिस्तान हैज़ देयर फर्स्ट यूनिकॉर्न, ये तो स्टूपिडिटी है। देखें, आप जाएँ इस्टोनिया में, इस्टोनिया भी कहता है स्काइप हमारी सक्सेस स्टोरी है, स्वीडन भी कहता है, अच्छा पता नहीं नॉर्वे भी कहता है, क्योंकि वो 2-3 फाउंडर थे, वो डिफरेंट मुल्कों से थे। तो आपको तो कोई एक रीज़न चाहिए होता है उस सक्सेस को ओन करने के लिए। अच्छा, हमारे पास 3 हैं भी तो हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड दुबई में है तो हमारी सक्सेस स्टोरी नहीं। तो मुझे बता दें कि कौन सी कंपनी जो रजिस्टर्ड पाकिस्तान में। देखें, हमारी जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, यहाँ से जो कंपनी शुरू होगी, जिसने पैसे रेस करने, उसने रजिस्टर्ड बाहर ही होना है। ये हमें अपने लोगों को ओन करना चाहिए, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, करीम एक पाकिस्तानी यूनिकॉर्न है, EMPG एक पाकिस्तानी यूनिकॉर्न है, और क्योंकि पाकिस्तान जो है एज अ मार्केट, हम डॉलर पे ऑपरेट नहीं करते, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बड़ी कम है, तो सिर्फ पाकिस्तान से पैसे कमा के यूनिकॉर्न बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मॉडल क्या है कि आप शुरू पाकिस्तान में हो, एक बड़ी मार्केट है, लोग बहुत हैं, आप यहाँ टेस्ट करें अपना मॉडल, जिस तरह फॉर एग्जांपल zameen.com ने किया, फिर आप दुनिया में एक्सपेंड करें, वो रीजन में गए। अच्छा, दुनिया में एक्सपेंड करने के लिए आप जो है लाहौर हेडक्वार्टर से तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, कोई कर सकता है तो कर ले फिर, और जो खासकर लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं। लेकिन ये कि जिसने करना है प्रैक्टिकली, उसे दुनिया के किसी कैपिटल में बैठना पड़ेगा जो कि हमारे बहुत करीब दुबई है। हमें ये लगता है कि अच्छा, रीजन में हमारा जो जो एक पॉइंट बनता है कनेक्ट करने का,
का दुनिया से वो दुबई है। हमारे सारे बड़े ग्रुप्स दुबई बैठे हुए हैं, हमारे लीडर सारे दुबई बैठे हुए हैं, तो वो दुबई जाते हैं और दुबई बैठ के वो स्केल करते हैं। करीम के केस में ऑब्वियसली क्योंकि उनकी ग्लोबल आउटलुक थी तो वो दुबई बेस्ड ही उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन इंजीनियरिंग तो सारी पाकिस्तान में, तो बनाई तो पाकिस्तान नहीं है ना। और इसके अलावा आई थिंक देखें ये सिर्फ एक इकोसिस्टम की मेजॉरिटी का साइकिल है। हमारे यहाँ पर बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी जो लोकली कंपनीज शुरू हो रही हैं वो थोड़ी इनोवेशन और लाएंगी, थोड़ी बड़ी होंगी, तो वो रीजन में चले जाएंगी, वो और मुल्कों में जाएंगी, वो मिडिल ईस्ट में जाएंगी और फिर यूनिकॉर्न स्टेटस वो अचीव कर ही लेंगी। अभी थोड़ा चैलेंज इस तरह है क्योंकि बहुत सी जो हमारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं अपेरेंटली पाकिस्तान में, वो जो चैलेंजेस सॉल्व कर रहे हैं वो बड़े लोकल हैं, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स में, ई कॉमर्स में, फिनटेक में। अच्छा, अब ये चीज़ें जो हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड में हो चुकी हुई हैं, बेशक पाकिस्तान में भी इन्हें सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है, करना चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिन पर कोई ग्लोबल बिजनेस नहीं बन सकता, जो शायद पाकिस्तान बेस्ड ही चैलेंज है। हाँ, कुछ कंपनीज और हैं जो कहते हैं कि अच्छा यार ये जो मसला हम पाकिस्तान में सॉल्व करें ये इजिप्ट में भी है, ये सऊदी में भी है, ये दुबई में भी है। वो एक मॉडल है जिस पर कंपनियाँ जो है वो यूनिकॉर्न बन सकती हैं। दूसरा जो मॉडल है वो ये कि कोई पाकिस्तान से उठे और एक ग्लोबल कंपनी बनाए, कोई सैस कंपनी बना ले, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बनाए, कोई प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करे जो ग्लोबल है, जिस तरह इंडिया में बहुत से लोगों ने किया, मतलब जोहो है और हबस्पॉट है और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज हैं। वो पार्ट हमारे पास अभी मिसिंग है। हमारी कुछ सैस कंपनी ज़रूर हैं लेकिन ज़्यादातर यहाँ तो यहाँ से शुरू होकर अमेरिका बेस्ड हो जाती हैं, या वो शुरू ही अमेरिका में होते हैं, उनके सिर्फ इंजीनियर्स पाकिस्तान में होते हैं, तो एज़ वो प्योर पाकिस्तानी कंपनी नहीं स्केल करते। जिसके लिए हमें लगता है कि यहाँ पर टैलेंट इकोसिस्टम को मैच्योर रहने की ज़रूरत है कि अगर आप और ज़्यादा डेवलपर्स को ट्रेन करें, और ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर्स आएँ, प्रोडक्ट मैनेजर्स आएँ, फाउंडर्स का और एक्सपीरियंस हो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने का, तो फिर कोई बंदा उठेगा और कहेगा अच्छा ये मैंने टीम बनाई है 15 लोगों की इस्लामाबाद में, मैं ये ग्लोबल प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद भी हो सकता है कि वो मूव बाहर हो ही जाए, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो सक्सेस पाकिस्तानी है। ऐसी कुछ सक्सेसेस ज़रूर हैं लेकिन जो ग्लोबल यूनिकॉर्न्स हम काउंट करते हैं, जिस तरह कीप ट्रकिन है या एक दो और हैं जो पाकिस्तानियों ने अमेरिका में बनाए, वो इस तरह पाकिस्तान में स्टार्ट नहीं हुए थे, वो बाहर ही स्टार्ट हुए, अमेरिका में हुए, फिर उन्होंने कहा अच्छा हम जो बैक ऑफिस है या जो हायरिंग है इंजीनियर्स हैं वो पाकिस्तान में हायर कर लेते हैं क्योंकि हमें वो मार्केट समझ आती है। हमें जो मेड इन पाकिस्तान ग्लोबल यूनिकॉर्न चाहिए, उसके लिए अभी हमें इकोसिस्टम में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा मैच्योरिटी आनी चाहिए, फिर हम सोच सकते हैं कि वो आ जाए। दूसरा मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि देखें यूनिकॉर्न को ज़रूरी होता ही नहीं है, ये एक बड़ी एक मतलब क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि हमारे पास एक यूनिकॉर्न है कि नहीं, क्या एक यूनिकॉर्न आने से हमारे मसले हल हो जाएंगे? नहीं, ठीक है। हमारा मेजर इशू है एजुकेशन का, टैलेंट का, रोज़गार का, फॉरेन एक्सचेंज का एज अ कंट्री, तो उसमें एक या दस यूनिकॉर्न्स भी आ जाएं वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमें चाहिए ये कि बेसिकली हम नॉलेज इकोनॉमी बनाने पे इन्वेस्टमेंट करें, हम लोगों को ट्रेन करने पे इन्वेस्टमेंट करें। आज भी हमारी लोकल कंपनीज़ हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं कि हमें इंजीनियर नहीं मिलता, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आएगा इधर ऑफिस बनाएगा और उसे लोग मिल जाएंगे? पहले लोग ट्रेन तो करें। तो हमारी जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे, जो रिसर्च पे, जो ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट है वो ना होने के बराबर है। हुकूमत जो प्रोग्राम कर रही है वो बड़े अच्छे एफर्ट्स हैं लेकिन उन्हें कोई 100 गुना बड़ी एफर्ट्स होना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वो कमाल है लेकिन उनके पास वो रिसोर्सेज उस तरह नहीं है कि वो स्केल कर सकें, या तो वो फंड रेजिंग करें, क्योंकि अगर यहाँ पर लोग यूनिवर्सिटियों से अरबपति हो सकते हैं तो फिर ट्रेनिंग बिजनेस इतना बड़ा क्यों नहीं है? ठीक है, कोई तो गैप मौजूद है। देखें, एक बच्चा अगर एक ट्रेनिंग सेंटर में जाके 6 महीने में कोई ऐसा स्किल सीख सकता है जिससे वो 500, 1000, 200, 300 कोई भी डॉलर कमाना शुरू कर दे और फिर वो वहाँ से ग्रो खुद ही कर दे, तो सबसे बड़ा बिजनेस इस टाइम पाकिस्तान में यही होना चाहिए कि हम जाएँ और हम कहें कि अच्छा ठीक है, आपने इंग्लिश में बैचलर्स किया होगा, आपने जो है ना केमिकल इंजीनियरिंग किया होगा, आपने जो भी किया होगा, आप आएँ और कोई डिजिटल स्किल सीखें और आप इस डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बने। बिल्कुल, क्योंकि असल कमाई और असल ग्रोथ वहाँ है। आपकी अगर 1,00,000 रुपया सैलरी थी तो ये जो 30-40% इन्फ्लेशन आई है इसका आपकी सैलरी पे इफेक्ट है, लेकिन जिसकी $1,000 थी उसके तो पैसे ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को ट्रेन करें और हमारा यूनिकॉर्न वही है कि हम कोई 1 million, 2 million, 4 million लोगों को ट्रेन करके ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बना दे, उससे हमारी इकोनॉमी रीशेप होगी, ना कि एक कंपनी जो है वो $1 billion स्टेटस अचीव कर ले। बिल्कुल। अच्छा रजी साहब, कोई भी बड़ा ड्रीम हम परस्यू करते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें हमें
सोशल प्रेशर भी होता है और स्मॉल्स मैटर छोटी छोटी इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं। तो जिस तरह आप पाकिस्तान से बाहर जाकर कोई समिट करा रहे हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और तमाम इस तरह के आप मतलब कि हम देखेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम में बड़े लेवल पर काम कर, तो सोशल प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं, डील करते हैं और स्मॉल मैटर्स को किस तरह देखते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताएं। सर इसमें ये कि देखें, जब भी आप कुछ डिफरेंट करने निकलेंगे ना तो चैलेंजेस तो आएंगे, वो कहीं से भी आएंगे, लोग कहें लो जी ये तो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है। अच्छा ये है कि आपका अपने विजन पे बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर मोड़ पे ऐसे लोग या ऐसे मसले मिलेंगे जो आपको कहेंगे अच्छा ये नहीं हो सकता, लेकिन जब तक आपको ये यकीन है ना कि हो सकता है तो आप कर लेंगे। ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका यकीन है। अच्छा आपका यकीन होगा तो आपकी टीम का यकीन होगा ना, अगर किसी फाउंडर को सीईओ को खुद ही नहीं बिलीव के हो सकता है तो उसकी टीम को क्या होगा। अच्छा फिर उसके पार्टनर्स को भी नहीं होगा। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका विजन है और आप कितने पैशनेट हैं, कितना यकीन रखते हैं, और एक दफ़ा आप शुरू हो जाएं तो आपने रुकना नहीं है। अच्छा फिर ये कि ठीक है बहुत से लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, अच्छा उन लोगों ने तो किया भी नहीं है ना, तो उनकी राय तो मैटर भी नहीं करती, ठीक है, और ना वो कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों की राय वाकई मैटर करती है आप उनकी एडवाइस लें, एडवाइज़र्स बड़े ज़रूरी होते हैं, लोग फीडबैक भी देते हैं, आपको फीडबैक से इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपको नेगेटिविटी फील हो उसे सिर्फ आप इग्नोर करें, उसे आप भूल जाएं। मुझे अभी कोई नेगेटिव चीज़ याद नहीं है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें याद हैं, क्योंकि मैं वो रजिस्टर ही नहीं करता अपने माइंड में, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। देखिए जो इंसान आपको ये कह रहे हैं ना कि ये काम नहीं हो सकता, ठीक है, अब उस इंसान से तो आपको कोई काम भी नहीं है ना, मतलब आप उसे क्या कहेंगे कि हाँ नहीं हो सकता मैं छोड़ देता हूँ, और उससे आर्ग्यू करने का भी फ़ायदा नहीं है। और हमारे यहाँ पर स्पेशली ये ज़्यादा है, अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ हमें लोगों की सक्सेस अच्छी नहीं लगती, हमें लगता है कि अच्छा पता नहीं ये सक्सेसफुल है तो शायद ये मेरी सक्सेस ले रहा है। एक हमारा नेचर है जो कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, मैं इस मुल्क को बुरा नहीं कह रहा, बहुत सी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ऐसा ही होता है, लोगों के पास टाइम ज़्यादा होता है, वो प्रोडक्टिव चीज़ों में टाइम कम लगाते हैं, वो ऐसी चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगाते हैं, तो वो सोचते रहते हैं कि अच्छा ये ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि सोच हमारी होनी चाहिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। आप डेवलपिंग वर्ल्ड में जाएं, आप अमेरिका में जाएं, वहाँ किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी के बारे में सोचे, वो जो है ना अपनी ज़िंदगी में सारे इतने कंज्यूम्ड होते हैं। तो इस पे बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना फोकस क्लियर रखें और अपनी कंपनी बेहतर करें, और जो लोग नेगेटिव हैं उनको आप कट ऑफ कर दें, और जो लोग आपके विजन में ऐड करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, आप उनका सर्कल बनाएं, क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी है अगेन वो बड़ी मैटर करती है। अगर वो पॉजिटिव लोगों की होगी, उन लोगों की होगी चाहे जो ये समझते हैं कि अच्छा कुछ भी हो सकता है, तो आप भी फिर कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अगर वो है ही उन लोगों की जो समझते हैं कि अच्छा यार ये तो काम ना ये मुश्किल ही बहुत है, ये तो होता ही नहीं, यहाँ तो ऐसे नहीं होता, तो ये जो नेगेटिविटी है ना ये आप पे इफेक्ट करेगी, तो इसलिए बस आप उसे कट ऑफ कर दें। अच्छा रोल मॉडल की अगर बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में अगर कोई रोल मॉडल आपका है, कौन है, किसने आपको इंस्पायर किया? कम्युनिटी बिल्डर तो मतलब कि हर बंदे से इंस्पिरेशन और लर्निंग तो कर रहा होता है, क्योंकि डिफरेंट देखिए लोकली तो बहुत अच्छे लोग हैं जिनसे बड़ी डिफरेंट चीज़ें मैंने सीखी हैं और मैं सीखता भी हूँ, लेकिन आई थिंक अगर हम कम्युनिटी बिल्डिंग के एस्पेक्ट से बात करें तो एक इवेंट होता है वेब समिट के नाम से, लिस्बन पुर्तगाल में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कॉन्फ्रेंसेस में से एक है, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपना ब्रांड बिल्ड किया है, जो वैल्यू उन्होंने बिल्ड किए, और हम कोशिश करते हैं कि हम भी एज अ कम्युनिटी बिल्डर जो है सिमिलरली एक वैल्यू एडिशन करें इस इकोसिस्टम में, इन लोगों में, और इस तरह की कोई चीज़ बनाएं जो सबके लिए यूज़फुल हो। ज़बरदस्त। आपकी डेली रूटीन की तरफ आते हैं, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं, अब आपकी प्रोडक्टिव हैबिट्स जो थ्रू आउट द करियर आप लेके साथ चले हैं, जिन्होंने आपकी परफॉर्मेंस को और बेटर किया है, या आपका दिन कैसा दिखता है? बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा वैसे इतना कोई अच्छा नहीं दिखता, मैं अक्सर लेट भी उठता हूँ, तो हमारा क्योंकि काम जो है वो बड़ा डिपेंड करता है कि हमारा इवेंट कब है, तो जब हमारा इवेंट हो जाता है और हमारे पास को महीने दो महीने का गैप होता है, तब बड़ा एक वोकेशन मूड होता है, लेकिन ये कि जब हमारा इवेंट अनाउंस हो जाए जब करीब हो, तब हमारा स्केड्यूल बिल्कुल मेरा बदल जाता है। जिस तरह अभी हमारा एक नॉर्वे में इवेंट हो रहा है, फिर फ्यूचर फेस्ट है जनवरी में, तो अभी हमारा स्केड्यूल बहुत टाइट है। फ्यूचर फेस्ट के बाद हो सकता है कि कोई एक दो महीने हमारे थोड़े स्लो हों, और लेकिन ये कि आई थिंक जो डेडलाइन और प्लानिंग और स्केड्यूलिंग की एक हैबिट स्पेसिफिकली मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, मेरी हर चीज़ मेरे कैलेंडर में है, उससे बड़ी मदद होती है हमारे लिए, शायद इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट का काम जो है वो बहुत हद तक प्लानिंग ही है कि किस डेट को क्या करना है, किस डेट तक क्या होना चाहिए,
तो वो हमारे लिए तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन जनरली भी ये कि आप ज़िंदगी में अगर प्लानिंग अपनी बेहतर करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। कैलेंडर का इस्तेमाल करें, नोट शोट का इस्तेमाल किया करें ताकि आपको चीज़ें याद रहें, क्या करना है क्या नहीं करना, किससे मिलना है, सही। कब मिलना है, क्यों मिलना है। अदरवाइज़ ये कि अदरवाइज़ फिर लाइफ आप पे चीज़ें फेंकती रहेगी और आप रिएक्ट कर रहे होंगे, फिर आप एक प्लान पे नहीं चल रहे, फिर तो आप जो है ना वो रिएक्शन, हाँ रिएक्शन मूड पे चल रहे हैं। तो आपको जो है प्लानिंग मूड पे चलना है कि आप ज़िंदगी जो है वो अपनी टर्म्स पे गुजारें और वो प्लान करके गुजारी जा सकती है। हाँ अच्छा अरे भाई, आपकी तो अभी हमने डेली रूटीन जानी है, अगर आप स्टार्टअप फाउंडर्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर आपने कुछ ऐप बुक्स वेबसाइट्स कुछ ईमेल रिकमेंड करने हो जिनसे उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो पर्सनल ग्रोथ भी हो, तो वो क्या हो? यार बड़ा अच्छा सवाल है, अभी मुझे किताबें इतनी कोई याद नहीं रही, लेकिन ये कि एक द डेली स्टोइक एक न्यूज़लेटर है वो मैं फॉलो करता हूँ। इसके अलावा आई थिंक कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड किताबें हैं जो शायद पढ़ी जा सकती हैं जिससे आपको समझ आए कि अगर बुक्स के अलावा भी हम जाते हैं लाइक कोई ऐप कोई बिल्कुल सेमिनार बिल्कुल हो गया कोई। वाई कॉम्बिनेटर की वेबसाइट है, उनका ब्लॉग बहुत अच्छा है स्टार्टअप्स के बारे में स्पेसिफिकली। आई थिंक इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत से अच्छे चैनल्स हैं, मैं कुछ के लिंक भी शेयर कर सकता हूँ जो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। फिर मैंने पर्सनली कोर्सेरा पे बड़े कोर्स किए हैं शुरू में, अब तो इतना टाइम नहीं मिलता, और लेकिन ये कि आई थिंक ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं आपको सीखने के बारे में किसी चीज़ के या सिस्टम्स के या जनरली ये कि चीज़ें होती किस तरह, क्योंकि बिल्कुल आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी फिर ही आप आगे जाके बड़ी चीज़ें बिल्ड कर सकते एग्जैक्टली हैं। तो मी मतलब जो लोग एग्जीक्यूट करें, जिन्होंने शुरू कर दिया है, जो कुछ ना कुछ बिल्ड करें, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम लर्निंग पे भी लगाएं, क्योंकि अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप ग्रो कैसे करेंगे। इवन हमारे काम में भी मतलब शायद बहुत लोगों को लगता होगा कि हम इस मुल्क में बहुत एक अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम फिर भी अपना बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे लगाते हैं कि हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं, कि अच्छा अगर हमने ये कर दिया है तो ये कैसे होगा। और बहुत से केसेस में वो हमें शायद करने की ज़रूरत भी नहीं, जी लेकिन हमें ये लगता है कि अच्छा हमें खुद जो है ना अपनी बेहतरी को टारगेट करना चाहिए। और अगर हमारी मार्केट को नहीं भी पता कि बेहतर का मतलब क्या है, तो जी हम उनको बेसिकली उनकी अवेयरनेस करें कि यार नई चीज़ें इस स्टैंडर्ड पे भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है वो, क्योंकि देखें यहाँ तो आप कहें कि ठीक है जो मार्केट में हो रहा है हम वैसी चीज़ करेंगे तो फिर आप कंपीट कर लें, लेकिन अगर आपने इनोवेशन करनी है तो आपको मार्केट को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। जी आप मार्केट से आगे रहेंगे और आप कुछ केसेस में अपने कस्टमर्स को या अपने स्टेक होल्डर्स को आप बता रहे होते हैं कि अच्छा यार नहीं ये भी चीज़ की जा सकती है, ये नेक्स्ट लेवल है इन चीज़ों का, और वही जो है इंडस्ट्री लीडर्स कहलाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा आजकल की जैसी फाइनेंशियल सिचुएशन है पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो आप क्या कि रिकमेंड करते हैं या आप क्या एडवाइस करते हैं यंग स्टार्टअप फाउंडर्स को कि वो कैसे इनोवेटिव रह सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं प्लस मेंटली रिलैक्सेशन चाहिए होती है कि तब इनोवेशन इनोवेटिव आइडियाज़ या क्रिएटिव बंदा हो सकता है, लेकिन अभी स्टार्टअप की तरफ कुछ जाता भी है तो किचन एक्सपेंस भी उसको माइंड में रखना है यार किचन सर्कल कैसे चलेगा, तो आप अगर देखिए एडवाइस करते हैं। स्टार्टअप तो जो है ना वो आपको तभी करना चाहिए जब आपके थोड़े बहुत पैसे हों सेव्ड या जो भी आपने कमाए हों उससे पहले। और आई थिंक ज़्यादातर लोगों के लिए जो हमारा एक फ्रीलांसिंग वाला ट्रैक है वो बहुत परफेक्ट है, आप जाएं और ऑनलाइन कोई ना कोई स्किल सीखना शुरू कर दें। बहुत से लोग ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस डाली हुई हैं, और वहाँ से आप कमाना शुरू करें। तो पहले आप अपना लाइवलीहुड एस्टेब्लिश करें, फ्रीलांसिंग में भी आप अच्छे भले पैसे कमा लेते हैं, तो फिर आप उसके बाद स्टार्टअप के बारे में सोचें। आई थिंक ये डायरेक्ट जो स्टार्टअप करने वाला मोड है ये हमारे लिए नहीं है, हमारे पास उस तरह रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है जिसके पास हैं ठीक है वो ट्राई कर ले, वो एक्सपेरिमेंट कर ले, एक लग्जरी है। बाकी लोगों के लिए है कि वो फ्रीलांसिंग में जाएँ और वहाँ से वो रोज़ी रोटी कमाना शुरू करें, लाइवलीहुड एस्टेब्लिश करें और वहाँ पर वो एक्सेल करें। फिर वो जो स्किल्स वो बिल्ड करेंगे वो जब कभी वो अपना स्टार्टअप अपना बिजनेस अपनी वेबसाइट शुरू करते हैं वो उनको इस्तेमाल आएंगे। और फ्रीलांसिंग भी इन इट सेल्फ देखें एक स्टार्टअप ही है ना, आप जी। उसमें एक स्किल सीखते हैं, एक सर्विस ऑफर करते जी। हैं, तो वो भी एक बिजनेस है, वो भी एक प्रोडक्ट है, उससे जी। भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ये जो हमने स्टार्टअप को ज़्यादा कूल बना दिया है ये आई थिंक ये भी गलत है कि शायद स्टूडेंट्स को लगे कि नहीं नहीं मुझे तो स्टार्टअप करना चाहिए, भाई क्यों करना चाहिए। ठीक है आप जो है एक स्किल सीखें और आप उसको बेचें, और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं तो आपको अच्छे पैसे मिलते हैं और ये एक अच्छा रोज़गार का ज़रिया है, एक अच्छा तरीका है, हमारी ज़्यादातर मार्केट तो यही करती है। तो हमें इसको भी अब ज़्यादा जो है वो ग्लैमराइज करना चाहिए।
कि यार ये फ्रीलांसर हैं, ये इतने पैसे कमाते हैं, ये फ्रीलांसर हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, उनकी स्टोरी सक्सेस स्टोरी सामने आई। एग्जैक्टली। अच्छा जैसे आपने बात की ना स्टार्टअप को हमने ज़्यादा कूल कर दिया है, मतलब कि अच्छा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स 3-4 दोस्त मिलते हैं, स्टार्टअप बना लेते हैं, इंक्यूबेशन में चले जाते हैं, तो वो जो पहला साल जिसमें वो इंक्यूबेट होते हैं, कलरफुल चेयर्स में डोर आ रहे हैं, एसी लगा हुआ है, लेकिन आफ्टर दैट वो एनवायरनमेंट नहीं बाहर उनको मिलता, वो कोई सिस्टम नहीं होता मार्केट में, तो वहाँ पे आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी मेंटोर की वो मेंटोरशिप में है 6 मंथ के लिए या किसी इंक्यूबेशन में है, तो वहाँ पर वो क्या किन स्किल्स पर काम करें या क्या मार्केट रिसर्च में काम करें कि अगर ऐसा एनवायरनमेंट उनके पास नहीं होता तो बाहर वो सर्वाइव कर सकें या स्केल कर सकें। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो सेल्स का स्किल है। अगर आप इंक्यूबेटर में हैं, जहाँ भी हैं, जो भी बना रहे हैं, सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए बेचने पे। और क्योंकि अगर आप कुछ बेच नहीं सकते ना, फिर तो पॉइंटलेस है। देखिए आप जो मर्ज़ी बना लें, आप बेच नहीं सकते तो क्या फ़ायदा। और आपको जो है अपनी टीम को भी अपना विजन बेचना होता है, अपने पार्टनर्स को बेचना होता है, जो कस्टमर्स हैं उनको तो बेचना ही होता है, तभी तो वो पैसे देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी बिल्ड करें आप उसे बेचना सीखें। और जो इनक्यूबेटर्स में आई थिंक टाइम गुजरता है उस पर ये कि बड़ा आसान होता है कि ठीक है यार ये सेशन अटेंड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कनेक्ट कर लिया, मिल मिला लिया, लेकिन हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए लर्निंग पे और सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी पे। क्योंकि देखें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप साल ज़ाया कर देंगे, सबसे ज़्यादा तो आपको फ़र्क पड़ता है। तो आपकी ख़ुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अगर इस इनक्यूबेटर में आ रहे हैं, 1 साल लगा रहे हैं या जहाँ भी जा रहे हैं, तो इससे आपको चाहिए कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने क्या सीखना है, और अगर वो नहीं मीट होते तो आप छोड़ दें, ज़रूरी थोड़ी है जाना हर जगह। बिल्कुल। अर्जिश जैसा कि आपने बताया कि अभी जनवरी में फ्यूचर फेस्ट आ रहा है, कोई ऐसा करंटली कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें जिसके बारे में पैशनेट हो तो बता जी जी डिटेल्स। सो हम फ्यूचर फेस्ट करा रहे हैं 6-8 जनवरी को एक्सपो सेंटर लाहौर में, और ये उतना ही बड़ा होगा जितना लास्ट वाला भी था। जी वो मैंने अटेंड किया था, फाइनल और बड़ी आपकी एफर्ट, मतलब कि हाँ अल्लाह का करम एक लार्ज लेवल पर। और इसमें हमको 300 के करीब स्पीकर्स बुलाएंगे, कोई 100 प्लस एग्जिबिटर्स होंगे, 200 प्लस पार्टनर कंपनीज होंगी, जिस तरह लास्ट टाइम था कि पाकिस्तान के सारे लोग और फाउंडर्स और सीईओज और लीडर्स और बाहर से भी जितने लोग हम बुला सकते हैं, क्योंकि आई थिंक हमारे इवेंट्स पे जितने इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं इतने किसी भी इवेंट पे नहीं आते पाकिस्तान में, तो अल्लाह का एक करम हम पे है। इस दफ़ा हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम जो है बियॉन्ड ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हर टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्रीलांसिंग की, वो फंड रेजिंग की बात कर लेती है, वो तो हमने भी पिछली दफ़ा कर ली हुई है। अब हम जो है थोड़ी सी अप्रोच अपनी डिफरेंट करें कंटेंट की तरफ। तो जिस तरह हम ये बात करें कि आज पाकिस्तान में एजुकेशन का जो एक सेक्टर है उसकी क्या करंट सिचुएशन है, राइट, मतलब कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, कितने इन स्कूल हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या करे, और फिर हम स्टार्टअप्स को बुला रहे हैं कि वो अपनी शेयर करें कि अच्छा जो स्टार्टअप्स एडटेक में ऑपरेट करें वो क्या वैल्यू ऐड करें। इसी तरह हम जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं हम उन पर कॉन्वर्सेशन करेंगे कि हेल्थ में क्या मसले हैं, और फिर टेक्नोलॉजी किस तरह इसको बेहतर कर सकती है, क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे एक इनेबलर है, और हमें बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, जो जो मसले हमें पीछे रख रहे हैं, हम उसको इसकी मदद से किस तरह हल कर सकते हैं। और तो हम पाकिस्तान की जो 10 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सारों पे डिस्कशन करेंगे बड़ा एक अच्छे लाइनअप के साथ। और फिर टेक्नोलॉजी में जो सबसे मेन लीडर्स हैं, जो जो फ्रंट रनर्स हैं, जो नया नया इनोवेटिव काम करें, उनको बुलाएंगे कि वो एग्जांपल्स शेयर करें कि अच्छा यार वो किस तरह इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जैसे अपने बीच में एजुकेशन की बात की ना, एजुकेशन तो आपके ख्याल से करंट सिनेरियो में करिकुलम में क्या चेंजेस होनी चाहिए एजुकेशन लेवल पर कि जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम पाकिस्तान में बेहतर हो? देखिए मतलब हमारा करिकुलम जो है अगर आप मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें तो वो उस तरह अपडेट नहीं होता। मुझे ये लगता है कि अब सेल्फ़ लर्निंग और ई लर्निंग का दौर है, करिकुलम उतना जल्दी इवॉल्व भी नहीं हो सकता। तो ख़ासकर मैट्रिक और एफएससी के बाद हमें फोकस करना चाहिए सेल्फ़ लर्निंग पे, और बहुत से स्किल्स, बहुत से एजुकेशन आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। और अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी में भी जा रहा है ठीक है, मतलब उसमें कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन वो साथ साथ जो है ऑनलाइन चीज़ें सीखे, क्योंकि हमें मार्केट ये बता रही है कि आप 4 साल बाद यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और आपको जॉब नहीं मिलती है, बड़े कम पैसों पे जॉब मिलती है। इसका मतलब ये है कि जो आप यूनिवर्सिटी में सीख रहे हैं मार्केट उसे वैल्यू नहीं कर रही। तो जिस चीज़ को मार्केट वैल्यू कर रही है वो तो ऑनलाइन पड़ी हुई है ना, तो आप ऑनलाइन सीख लें। मतलब सॉफ्ट स्किल्स से लेके टेक्निकल स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स, हर चीज़। अगर आप टेक्नोलॉजी में नहीं भी हैं, आप किसी भी और डोमेन में, तो आप प्रोफेशनलिज्म भी ऑनलाइन सीख सकते हैं। आप हर चीज़ ऑनलाइन सीख सकते हैं कि अच्छा जिस डोमेन में आप हैं आप उसमें किस तरह बेहतर हों, किस तरह एम्प्लॉयबल हों। और लेकिन अगेन हमारी जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है कि रियल अपॉर्चुनिटी हमारी यूथ के लिए वो डिजिटल स्किल्स में है। आप जो भी करते हैं आप कोशिश करें कि आपको ऑनलाइन उसका जो है अल्टरनेट मिल जाए। आप यू नो आर्टिस्ट हैं, आपको ड्रॉ करना पसंद है तो ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएं, आप बड़े पैसे कमा सकते हैं। आपको लिखना पसंद है, ऑनलाइन कंटेंट राइटर बन जाएं। आपको जो है और जो भी पसंद है, आई थिंक कि उसको अगर हम ऑनलाइन से कनेक्ट कर लें तो हमारी जो इनकम है, हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कोई 100 times इंक्रीज़ हो जाते हैं। और यही कॉन्वर्सेशन हम नेक्स्ट फ्यूचर फेस्ट पे भी करें कि यार आप की ये जो सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बेहतर किस तरह कर सकते, अपॉर्चुनिटी अभी से बना लें। ये ना वेट करें कि यार मुझे कोई मतलब कि अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो काम मिलेगा तो मैं अपना आर्टिस्टिक वर्क दिखा सकूँ। बिल्कुल। अच्छा सब, जैसे आप स्टार्टअप के साथ आपका बोल देंगे, मैं यंग स्टार्टअप के लिए स्पेशली पूछता हूँ आपसे कि जो जिन अभी अपने स्टार्टअप की तरफ आए हैं, स्टार्ट किए, तो हमारे सामने अभी इतना डाटा आ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, लाइक अभी हम देखेंगे एयरलिफ्ट ने भी इतने $1 billion फंडिंग रेस की, स्टार्टअप भी इतनी कर ली और फिर उनकी वर्किंग भी शट डाउन हो, मतलब उन्होंने स्टार्टअप लाइक जोवी की भी एग्जांपल लेते हैं। मैं बात करूं कि हमें एक न्यूज़ आती है कि इस स्टार्टअप ने इतने $1 billion फंडिंग रेस कर ली, लेकिन वो कुछ अर्से बाद चलता है कि वो बंद हो गई, शट डाउन वर्किंग होगी। तो ये क्या इम्पैक्ट पड़ता है यंग स्टार्टअप फाउंडर्स पे कि यार जब इतनी फंडिंग के बाद भी नहीं चल सका तो हम कैसे चलेंगे, हम तो फंडिंग अभी रेस करना चाह रहे हैं। देखिए असल में मतलब बंद तो कोई भी स्टार्टअप हो सकता है ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मार्केट की सिचुएशन चेंज हो जाती है, हमारी इकॉनमी चेंज हो जाती है। असल मैटर ये करता है कि आपने कोशिश कितनी की। अब एयरलिफ्ट ने या जोवी ने, उन्होंने कमाल कोशिश की, जो एयरलिफ्ट ने अचीव किया है वो इससे पहले किसी स्टार्टअप ने नहीं किया। तो हमें उस पार्ट को सेलिब्रेट करना चाहिए। जो उनका फेलियर है वो जिस भी रीजंस की वजह से हुआ वो तो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, लेकिन जितना उन्होंने अचीव किया है उससे ये प्रूव हो गया कि अच्छा इतना तो अचीव किया जा ही सकता है। तो आप जो बिल्ड कर रहे हैं मुझे लगता है उनके लिए एक ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है रेदर देन नेगेटिव, राइट। कि अगर एयरलिफ्ट जो है वो $5 million रेस करके फेल हो जाता तो फिर आप क्या कहते हैं। जो $80 million रेस करके फेल हुआ, फेल तो कोई भी हो सकता था, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने 80 रेस किया, इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया जो कि पाकिस्तान में उससे पहले शायद लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। पॉसिबल अपॉसिबल तो दूर की बात है ना, लोगों की इमेजिनेशन में ही नहीं था कि अच्छा ये अचीव भी किया जा सकता है। तो वो उन्होंने कर दिया और आई थिंक इसके लिए हमें उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। और अगर शायद फंडिंग की इन्वायरमेंट ग्लोबली सही रहती तो वो इसको फिक्स भी कर लेते। पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स ऐसे ही बिल्ड होते हैं और मुझे लगता है कि इस टाइम पे प्रॉब्ली ये बेस्ट टाइम है स्टार्टअप्स के लिए पाकिस्तान में। डिजिटलाइजेशन है, लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, हर किसी को अवेयरनेस आ रही है। तो आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन लॉन्च करें तो अब अगर आप 5 साल पहले से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। वन हार्श ट्रुथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप वर्ल्ड, अगर पाकिस्तानी फाउंडर्स को अपने बताना हो। हार्श ट्रुथ क्या बताएं, मैं हाइपर ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, मुझे चीज़ें सारी पॉजिटिव ही लगती हैं। हार्श ट्रुथ देखें, आई थिंक मतलब लोगों को दूर से देख के लगता है कि यार ये बड़ा एक कूल लाइफस्टाइल है कि ये भाई तो रोज़ फ्लाई करते रहते हैं, पता नहीं कितने मुल्कों में जाते हैं, या ये जो फाउंडर है ये देखें कितनी इसकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल है। आई थिंक असल में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है अगर आप मिनिस्टर बन जाएँ तो आपको 2-4-6 गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं और आपका जो है स्वैग भी होता है, लेकिन फिर आप पे जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उन चीज़ों को कभी उस तरह इन्जॉय नहीं कर सकते। तो जब ये चीज़ें जिन लोगों को मिलती हैं उन्होंने एफर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है, और फिर बैकएंड पे अगर आप देखें तो असल में एफर्ट ज़्यादा है, इन्जॉयमेंट बड़ी कम है। और जब आप इसमें आ जाते हैं, अगर आप ग्लैमर देख के आएँ तो आपको होता है कि यार ये तो एफर्ट ही बड़ी ज़्यादा है, ये तो चीज़ें बड़ी देर बाद मिलेंगे। लेकिन असल बात यही है कि आपको इतना यकीन हो अपने काम में, इतना मज़ा आता हो कि आप वो एफर्ट वाला टाइम काट लें, क्योंकि जब आप वो काटेंगे तभी रिवॉर्ड मिलेगा आपको।
और आई थिंक ये एक बड़ा हार्श ट्रुथ है कि लोगों को लगता है कि शायद ये आसान है जर्नी, आसान कुछ भी नहीं है, बस ये कि अगर आपको उस काम में मज़ा आता है, अगर आप उसमें बिलीव करते हैं तो आप उन टाइम्स पे भी लगे रहेंगे जब शायद वो इतना मज़े का टाइम नहीं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कंसिस्टेंसी है, वो लक या टैलेंट इतना नहीं है, आप बस लगे रहें एक चीज़ पे और काम करते रहें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो सक्सेस आ ही जाती है। अच्छा, व्हाट्स मेक्स अर्ज़िश आज़म अर्ज़िश आज़म, क्या चीज़ है जो अर्ज़िश को अर्ज़िश बनाती है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैं पर्सनली जो हूँ ना बड़ा बिलीव करता हूँ अपनी वैल्यूज़ में एज अ कम्युनिटी बिल्डर या अदरवाइज भी, जो वैल्यूज़ हमारी कंपनी की हैं वो पर्सनली मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना, उनको दोस्त बनाना, किसी को पहले कुछ ऑफ़र करना रैदर देन के उससे हम सीख करें, यही सारे कम्युनिटी बिल्डर्स के आइडियल फैक्टर भी होते हैं। तो जब मैं सीख रहा था तो मैंने ये अडॉप्ट ही कर लिए और आई थिंक यही वैल्यूज़ जो हैं हम अपनी कंपनी में भी कोशिश करते हैं कि हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि दिस इज़ व्हाट मेक्स अस अस, राइट? कि अगर हम ये हर टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर तो हम हिपोक्रेट हो जाएंगे ना, फिर तो हम कहेंगे नहीं कि जब यू नो, कुछ लोगों के साथ ये ट्रीटमेंट है, कुछ के साथ नहीं। तो हमारा ट्रीटमेंट यूनिफॉर्म है और हम बड़े क्लियर हैं कि हमारा रोल क्या है इस इंडस्ट्री में या इस इकोसिस्टम में, और हम उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। अल्लाह का करम है कि हमें जितनी भी सक्सेस मिली है उतनी मिली है, अल्लाह हमें और मौका दे कि हम और ज़्यादा बड़ी चीज़ें क्रिएट कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इकोसिस्टम में ये पॉजिटिविटी प्रमोट करते रहें, ये प्रमोट करते रहें कि लोग एक दूसरों के काम आएँ, मदद करें, मिलजुल के चलें, कलेबरेशन हो, तो आहिस्ता आहिस्ता एक कल्चर ऐसा बन जाएगा जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है हमें सक्सेस या नरिशमेंट नज़र आएगी स्टार्टअप्स की, टेक्नोलॉजी में लोगों की, और हमें ऑलरेडी ये नज़र आती है लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं, वो कलेबरेट करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। सिर्फ ये कि आपको एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है और वो हमारा रोल ये है कि हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें। बिल्कुल ज़बरदस्त। एट द एंड, वन बेस्ट एडवाइस फॉर द यूथ? देखिए, मुझे ये लगता है कि मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या करना चाहिए, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। जब मैं निकला इवेंट्स किए, लकीली हमें एक चीज़ समझ आ गई, वो हमारी चीज़ चलती है। लेकिन अब जितनी अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में, कुछ भी करने में, और ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी, आई थिंक अब जितनी अवेयरनेस है इन चीज़ों के बारे में तो ये ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप यू नो, 600 किस्म के ट्रेनर्स हैं और मेंटर्स हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको सिखाते हैं, और आप राइट या लेफ्ट कहीं भी देखें कुछ ना कुछ ऑनलाइन की बात हो रही होती है। तो इससे ज़्यादा क्लियर कोई मैसेज नहीं है कि हमारा फ्यूचर जो है वो डिजिटल में है और वो ग्लोबल है, हम एक ग्लोबल इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं। तो अगर आप यंग हैं और आपके पास टाइम है तो आप अपना टाइम उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो आपको इस ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बनाएं, रेदर देन कि आप लोकल कोई चीज़ परसू करें जिसका कल को क्या पता कि हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। और ये कोई भी मुश्किल नहीं है, सब ने किया है, मतलब हमारे जैसे ही लोग हैं जो लाख लाख डॉलर भी कमाते हैं साल का, और हम ही लोग हैं जो 50,000 रुपये भी महीने के कमाते हैं। सिर्फ ये है कि हमारी नॉलेज और ट्रेनिंग का डिफरेंस है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप बस ऑनलाइन जाके कुछ भी सीखना शुरू कर दें। जब आप सीखना शुरू कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल, इस ज़बरदस्त। अगेन थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है अबाउट कोलेबोरेशन, पब्लिक रिलेशन और कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में। so और उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर, स्टार्टअप फाउंडर, एंटरप्रेन्योर्स जो भी इंटरव्यू देखेंगे इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। प्रेयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।